तो कैसे हो आप लोग? आप सभी के लिए एक बैड न्यूज है, आर्मर वॉर जो सीरीज आ रही थी वो कैंसिल कर दी है मार्वल ने। साल 2019 में ऑफिशियली अनाउंस करा था सैन डिएगो कॉमिक कॉन में कि आर्मर वॉर के ऊपर एक सीरीज आएगी जिसके 6 एपिसोड आएंगे और ये पूरी बेस होगी आर्मर वॉर्स पर, जिसमें कि हमारे वॉर मशीन लड़ते नजर आएंगे आर्मर के साथ। तो कुछ इस टाइप का कॉन्सेप्ट आया था सामने, कुछ प्लॉट्स आए थे, बट अब सीरीज को कैंसिल कर दिया है। और जैसा कि आप सब जानते हो कि डिज्नी एक्सपो में इसके बारे में बिल्कुल भी चर्चा नहीं हुई थी। इससे रिलेटेड कुछ ब्रेकिंग अपडेट्स भी आए हैं जो कि गुड न्यूज है। मैं इतने टाइम से मजाक कर रहा था, बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर। तो फाइनली आर्मर वॉर को मार्वल स्टूडियो ने फैसला करा है कि वो इसको मूवी के तौर पर बना रहे हैं एक बड़े लेवल के स्केल पर। सबसे बड़ी खास बात कि इसमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर एज आयरन मैन AI फॉर्म में रिटर्न हो रहे हैं। और इस मूवी का जो प्लॉट होने वाला है वो होने वाला है कि जब स्टार्क टेक्नोलॉजी किसी गलत के हाथ में पड़ जाती है तो हमारे वॉर मशीन उस टेक्नोलॉजी को छुड़ाने के लिए लग जाते हैं। तो पूरा मूवी का बेस वही होने वाला है। सबसे पहले इस मूवी को कनेक्ट करा जाएगा आयरन हार्ट, यानी कि आयरन हार्ट आपको देखनी पड़ेगी, फिर उसके बाद ये आर्मर वॉर मूवी देखनी पड़ेगी, फिर आर्मर वॉर मूवी देखने के बाद ये डायरेक्ट कनेक्ट होगी सीक्रेट वॉर से। और सीक्रेट वॉर में टोनी स्टार्क यानी AI फॉर्म का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो मार्वल ने ये डिसीजन लिया है कि इसको सीरीज में ना रिलीज करके मूवी में रिलीज करेंगे और डायरेक्ट सीक्रेट वॉर से कनेक्ट करेंगे, जिससे कि वो AI टोनी स्टार्क को ऑडियंस के सामने दोबारा से लाएंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। आपको ये अपडेट कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। उसी के साथ अगर आपको आदिपुरुष की वाली वीडियो देखनी है जिसमें कि मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है कि आपको क्या देखने को मिल सकता है, तो आपको राइट हैंड पे मिल जाएगी।